मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानों को प्रशासन ने की कुर्क। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की मोहम्मदाबाद स्थित 18 दुकानों के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई है। बेनामी संपत्ति का बाजारू कीमत 26 लाख है, जिसको जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर कुर्क किया गया है। दरअसल मुख्तार अंसारी के IS-191 गैंग के सदस्य चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम से मोहम्मदाबाद में 18 दुकानें थी, जो अवैध धन अर्जित कर बनाया गया था, जिसे SDM मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में SP ग्रामीण समेत भारी फोर्स की मौजूदगी में मुनादी कराकर कुर्क की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की करीब 26 लाख की अचल बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। 18 दुकानों का निर्माण करवाया गया है, को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा अपने आदेश संख्या 132/18 जे थाना मोहम्मदाबाद कुर्की आवलिक 2023 दिनांक 6 मार्च 2023 के तहत कुर्क किया जाता है। जैसा विदित है, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधी द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो कमाई की जाती है, उससे जो भी संपत्ति अपने नाम या किसी अन्य के नाम ली जाती है, तो उसे कुर्क करने का और जब्त करने का प्रावधान है। उसी के तहत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के द्वारा थाना मोहम्मदाबाद में अपने चचेरे भाई मंसूर के नाम से दुकानें बनवाई गई थी, जिनका चिन्हीकरण किया गया था, फिर विधिवत उसका आदेश जिलाधिकारी महोदया के द्वारा निर्गत किए गए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। अनुमानित कीमत क्या होगी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? जो PWD द्वारा बताई गई है वो लगभग 26 लाख से ऊपर है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ से ऊपर है।